स्टार्टअप बहुत अच्छा था माशाल्लाह। ये भाई बैठे हैं माशाल्लाह, ये दे रहे हैं जी कश्मीरी दाल चावल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? चले आप अस्सलाम वालेकुम कर दें सब। बाकी अस्सलाम वालेकुम, गुड, थैंक यू, गुड मैन, जिसमें एंड फॉर नो, ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? ये ऊपर से फुल अंत किस्म का क्रंची है और नीचे अंदर से इसकी है, इसके साथ इसको लगा के। तो पी आर तो आज यहाँ नहीं चली, पी आर इसलिए नहीं चली कि वो जानते नहीं थे, सीधी सी बात है भाई, आपका भाई कौन सा कोई सुपर स्टार है। देखें अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, ये इंतज़ार करना इट सेल्फ बड़ी तकलीफ है, वो ये कह रहे हैं। इतने एक शंटू किस्म के रश में आपके भाई को मिली एक प्लेट, और ये खुशी का आलम नहीं है, इस वजह से कि बड़ी मुश्किल से मिली। ओ, अब ये आ गया जी क्वेटा चाय पराठा, इधर सीन ना इनका कुछ यस ही है, मतलब सब पूरा नाम आवाम परेशान। ये देखिए, ये 4-5 हज़ार समोसा डेली निकलता है जी गालिब मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार ज़फर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए व्लॉग के साथ एक नई जगह पे। उम्मीद है आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली बेहतर होंगे, आपका भाई भी ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम लाहौर का बहुत ही शंटू तरीन लेवल किस्म का था, और जो सीन है ना वो उससे भी आला किस्म का। आज आपका भाई आया हुआ है जी बेस्ट समोसा पे, ये है जी गालिब मार्केट। अब गालिब मार्केट का सीन बताने से पहले सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि गालिब ने कहा था कि जीवन को इस तरह जियो कि कोई मिले कभी तो खुद से नज़र मिला सके। तो ये तो खैर है, गालिब की सेइंग थी। और ज़रा सीन चेक करें भाई, सीन यहाँ कुछ ऐसा है कि यहाँ समोसे समोसे और आवाम का ना अन्य वाह किस्म का वहाँ रश मचा हुआ है। और ये सिर्फ एक ही चीज़ है क्योंकि आज लाहौर में हुई है बारिश, और बारिश के बाद जो लोहड़ी हैं, जो लोहड़ी हैं वो पागल हो जाते हैं जी समोसे समोसे और इस साइड के सीन। तो ये सारा सीन है जी इधर इस तरफ, और ये हैपनिंग अन्य वाह किस्म की चल रही है। और दूसरी तरफ ये जलेबियाँ शलेबियों वाला सीन है, ये वाला, ये सारी जलेबियाँ शलेबियाँ, ये वाला सीन है माशाल्लाह। देखें अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, ये आवाम है माशाल्लाह, और ये सारा सेटअप चल रहा है। ये यहाँ से समोसे समोसे आ रहे हैं, इनके पास ना वो गुलाब जामुन टाइप भी सीन होता है, और नाश्ता वगैरह भी होता है, वो भी लोग आते हैं करते हैं, लेकिन असल जो सीन है ना वो इस चाचे की है। चाचा जो हैपनिंग कर रहा है ना, ये आउट क्लास है माशाल्लाह। और ये दो दो तरफ वहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी सीन है। तो ये सीन है नमक वाले टाइप है, और ये गुलाब जामुन यस किस्म का शंटू तरीन लेवल किस्म का ना सीन है। खुशबू बढ़िया आला आ रही है, अब मुझे नहीं पता वो है कैसे, लेकिन वो खुशबू उसकी ना बड़ी ही अच्छी है, खाने वाली ट्राई करने वाली। और पीछे ये चेक करें, ये सारी आवाम, ये सारी वहाँ तक जो गाड़ियाँ जा रही हैं ना, ये बेसिकली गालिब मार्केट है। और ये स्पॉट कुछ ऐसा ही है ना, कोई डी ग्राउंड टाइप है, लाहौर में ना बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि वो कवर करती हैं चीज़ों को, तो ये उसमें से एक समझ गया। ये है भाई, और ये लगा रहे हैं जी हैवी किस्म की जलेबी। खैर मेरा मूड तो नहीं है जलेबी खाने का, लेकिन खुशबू अच्छी आ रही है माशाल्लाह। सुबह कब शुरू होता है जैसा ये? और कब तक होता है ये? अच्छा मौसम इस अच्छा इस वजह से। अच्छा 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 माशाल्लाह। और ये कितना समोसा का अंदाजा है, कितना निकलता है? डबल हो जाता है आगे पीछे, फिर भी कोई अंदाजा? 4-5 हज़ार समोसा डेली निकलता है जी गालिब मार्केट में। ये चाचा माशाल्लाह खुद पका रहे हैं सारा, और ना वो असल में ना आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कलर दिखा रहे हैं ब्राउन किस्म का, मज़ेदार किस्म का। तो ये भी ट्राई करेंगे माशाल्लाह। ये बनाते भी आप खुद हैं, कारीगर हैं पूरे? अच्छा 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 माशाल्लाह। तो ये सारी हैपनिंग ना ये वाली जो है, ये वाली, ये चाचा का सिर्फ काम है यहाँ तलना चलना, ऐसा ही है चाचा? अच्छा अच्छा, काम सारा होता है, काम सारा करी है। अच्छा 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 माशाल्लाह। नाश्ता वगैरह भी होता है इनके पास? नाश्ता सुबह एक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तकरीबन रेडी हो गए हैं चाचा ये? हाँ अभी रेडी है माशाल्लाह। ओए ओए, ये कलर चेक करें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, हम भावलपुर से आए हैं जी समोसे पकौड़े खाने वास्ते। मौसम बड़ा अच्छा है जी, बारिश हो रही है, लाहौर में आए हैं जी समोसे पकौड़े लेने आए हैं, फिर जलेबी भी बड़ी अच्छी है, मौसम बहुत ही प्यारा है, दिल करने खाने का। यहीं गालिब मार्केट है जी, यहीं पे समोसे पकौड़े मिलते हैं जी। आप इनके अपने बंदे तो नहीं है जी? नहीं नहीं, अच्छा बंदे नहीं, मैं बाकी भावलपुर का। मैंने कहा पूछ लूँ भाई से, मजाक कर रहा था वैसे, वो भाई ने ऐसे बड़ा तरीके से बता रहे थे, वो कह रहे थे मेरा आई डी कार्ड चेक ले, मैं भावलपुर का हूँ, मुझे यकीन है भावलपुर का। मौसम मारी कशम शाह दूसरी बार आऊँ, बहुत अच्छे है, वो दोस्त के पास है, उन्होंने भेजा ये गाड़ी की चाबी दी है, मैं गाड़ी पे आया हूँ जी समोसे लेने, फरदोश मार्केट से आया हूँ जी। जबरदस्त, ये हम दोस्तों वास्ते लेके, हम लेके खाएंगे, मजाएंगे। बारिश है बहुत अच्छी, एंजॉय है, लाहौर में बहुत बारिश है, ठंडी मौसम। चलें आप अस्सलाम वालेकुम कर दें सब। बाकी अस्सलाम वालेकुम, गुड, थैंक यू, गुड मैन, जिसमें एंड फॉर नो, ओके अस्सलाम। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह, मुझे सब्र नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक है,
कितना टाइम लगता है इसके वास्ते बनते हुए? हाँ जी, छः से सात मिनट। आवाम सारी ना बेचारी वहाँ खड़ी है, सारी इसी एक चीज़ में इंतजार है ना। तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है ये इंतजार करना, इट सेल्फ बड़ी तकलीफ है, वो ये कह रहे हैं माशाल्लाह। तो फिलहाल तो अभी ये सारे भाई खड़े हैं ये वाले, और ये एक ही चीज़ का इंतजार है वो है समोसे। बाकी इनकी जो वो चने वगैरह होते हैं वो भी अच्छे हैं, और चटनी चुटनी ऊपर को डाल के देते हैं वो भी ना शंटू लेवल है। अच्छा ये इनका ना अंदर से सेटअप है माशाल्लाह। ये हैं जी गुलाब जामुन, लेकिन ना आज आपका भाई ये नहीं खा रहा, ये नज़र गड़बड़ है। और ये सेटअप इनका माशाल्लाह, ये वो चटनी है, ये मीठी होती है ये वाली। तो ये ओनर साहब हैं वो कह रहे हैं ये भी नमकीन है, अब ये ट्राई करते हैं, पता नहीं वो गपशप लगा रहे हैं ऐसे ही है। तो रश का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें माशाल्लाह। आवाम का रस चेक करें माशाल्लाह, ये सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके पीछे ना आवाम आई है, वो एक समोसा है। बाकी भी आइटम हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू आज का मौसम कमाल चीज़ ही है माशाल्लाह। इतने एक शंटू किस्म के रश में आपके भाई को मिली एक प्लेट, और ये खुशी का आलम नहीं है इस वजह से कि बड़ी मुश्किल से मिली है। और ये जलेबी शलेबी वाला सीन चल रहा है। अब मसला पता क्या है, मतलब ये है कि ये जो सीन आपको नज़र आ रहा है ना, ये बड़ी जद्दोजहद के बाद मिला, मतलब अच्छा खासा आप समझ लें कि पीछे रश चल रहे हैं। तो पीआर तो आज यहाँ नहीं चली, पीआर इसलिए नहीं चली कि वो जानते नहीं थे, सीधी सी बात है भाई आपका भाई कौन सा कोई सुपरस्टार है। तो फ्यूचर में बन जाएगा अभी का नहीं पता। अब ये समोसा ज़रा देखते हैं, इसके ऊपर ना थोड़ा सा ये ऐसे करके, और ये अब ये रेडी हो गया समोसा। अब आपका भाई इसको तोड़ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, अंदर से चेक करें माशाल्लाह, फुल आलू की फिलिंग है माशाल्लाह, और ना अंत किस्म का ना क्रंची है ये। इसको ऐसे नहीं खाते, इसको तमीज़ से आपका भाई बिल्कुल नहीं खाता, इसको ना ऐसे ही हम खाएँगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, यकीन माने सिर्फ आप ये चेक करें अंदर से, और ये ऊपर से फुल अंत किस्म का क्रंची है, और नीचे अंदर से ही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक और बुरकी ले रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन माने इतना एक शंटू लेवल है ये कि शंटू तरीन है, शंटू तरीन का प्यो समझ लें। अब इसको नज़र ऐसे करते हैं, इसको इस चटनी के अंदर नज़र ऐसे आपका भाई करता है, ये अंदर से ये भर के, ये मीठी चटनी थी, वो मजाक कर रहे थे इनका ज़रा ना, थोड़े वो खुश मिजाज थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, कोई मीठा हो तो मीठा ट्राई करते हैं, कोई और चीज़ ट्राई करके इस ब्लॉग को आपका भाई यहीं करता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही हैपनिंग दिखा दी आपके भाई ने इनका। ये बिल्कुल, ये भी गालिब मार्केट है, और मुझे ना वो गालिब का एक शेर याद आता है, वो एक कोल था, वो कहता है कि जीवन को इस तरह जियो कि कोई मिले कभी तो खुद से नज़र मिला सको। तो यहाँ तक सीट अच्छा, ये सारी आवाम है, हम बैठ बैठ के खा रही है, सेटअप अच्छा है। और ये है जी क्वेटा चाय पराठा, और ये आपको लाहौर में कोई वाफेर ही मिलेंगे, मतलब इतने ही मिलेंगे कि जितनी आपकी सोच है। और ये माशाल्लाह छोटा लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक हैं आप? ये देखें माशाल्लाह खुशबू बड़ी अच्छा इधर ना, ये लाहौर में वाफर है। और बड़ी मज़े की बात, मुझे एक हमने फूड ब्लॉगर भाई से पता चली, उनके एक फूड रील में देख रहा था, वो कह रहे थे कि क्वेटा चाय पराठा आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे, और हर जगह इनका शॉप है। और मसलन मज़े की बात ये है कि ये क्वेटा में इटसेल्फ नहीं है, तो इनसे नज़र लगवाते हैं, मुझे ना भूख शूख तरह लग रही है, थोड़ी ऐसा लग रही है कि यार ये गुड़ शुड़ वाला सीन है, मक्खियाँ भी साथ आपको फ्री में मिलेंगी। ये है चाय, और इधर चाय वाला सीन कुछ ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही पकाते हैं चाहे, इसमें वो केतलियाँ होती हैं, वो केतली के अंदर डाल के ना, या इस डब्बे शब्बे के अंदर डाल के वैसे ही सिंपल पकाते हैं। अब हमने इसको कहा है जी एक हमें लगा दो कोई पराठा अच्छा सा, और बगैर मक्खी के, मक्खियाँ शक्खियाँ ना हो। तो आज आपका भाई बगैर मक्खी के पराठा खाएगा, अल्लाह करे अगर उसमें ना आए तो सेटअप अच्छा है मतलब। ये सारा सिस्टम मतलब ऐसा है ना, ये आप समझ लें इधर ये स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, और बाकी चीज़ें भी इधर सेटअप अच्छी खास है। तो ये अब हमारा पराठा लग रहा है, ये चिकन है बगैर पाँव के, हाँ बगैर पाँव के वगैरह हमारा चिकन है माशाल्लाह। और ये आ गई चीज़ चीज़ माशाल्लाह, ये कितने का ये? 300 का। हाँ लगा दे लगा दे। ये है भाई माशाल्लाह, ये छोटा सा बच्चा है माशाल्लाह, पढ़ते भी हो? अच्छा आज छुट्टी है तो फिर आप ये काम कर रहे हो? ये देखें ये बड़ा सा तवा होता है के ऊपर, और ये सारा सा पूरा ना समझ स्टोव समझ लें आप, ये गैस शैस रखी हुई है यहाँ,
और इसके ऊपर ये रख के ना यहाँ बच्चा उसे पूछ रहा है कि सादा पराठा दे रहे हो उसके साथ और क्या दोगे, वो कहता है चने मिलेंगे लेकिन वो सुबह मिलेंगे, अभी पराठा खा लो सुबह चने के लिए आना। तो आवाम ना फ्रस्ट्रेशन में अजीब अजीब बातें करती है। ये क्या कर रहे हो, दम दे रहे हो उसको? अच्छा 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 चाय तैयार कर रहा है, छोटा सा बच्चा है वो खुद ही सारा एक्टिव हो के ना चौकस होकर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ओ अब ये आ गया जी क्वेटा चाय पराठा। इधर सीन ना इनका कुछ यस ही है, मतलब सही है, नॉर्मल है, एवरेज उन्होंने डाली है, वो चीज़ क्या थोड़ी सी चीज़ डाली है और ऊपर से ये आ गया जी हैवी किस्म का पराठा। अगर आपको इसको खोल के ज़रा दिखाऊँ ना थोड़ी बदतमीज़ी से, तो ये कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है। हैवी सी आपका भाई बुरकी ले रहा है, होपफुली ये ना क्रंची लग रहा है ऊपर से, अंदर से मुझे नहीं पता कैसा है, इसमें रखवाएँ। चिकन बहुत अच्छा है, चीज़ थोड़ी ज़्यादा डाल दिया उसने, थोड़ी सी नहीं डाली अच्छी खासी डाली है, और वो ना दिल घबराने वाली चीज़ नहीं होती वो डाल दियो, ऐसा लग रहा है कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ बना। ये देखें, और ये पता नहीं ग्रीन चटनी डाल दिया किसी की है, इसके साथ इसको लगा के रखवा गए। ये चटनी ना अचार टाइप फील आ रही है, लेकिन अचार नहीं है, ये ग्रीन चटनी है चिल्ली वाली, लेकिन फील अचार की आ रही है, इसमें लगवा दें। अच्छा समोसा आला था, शंटू ग्रीन लेवल था, ये शंटू के पास पास है इतना आला है, लेकिन वो जो रेस्टोरेंट हमने देखा है ना उसको किसी दिन आपका भाई सुकून से आके कवर करेगा और आप दिखाएगा। यार 12 खाने बनाना और 12 खाने आके सर्व करना और उनका जो क्या कहते हैं मेंटेन करना, क्वालिटी फूड क्वालिटी मेंटेन करना, इट्स बड़ी बात है। तो यहाँ तक मामला पूरा है, होपफुली आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी होगी, छोटी सी एफर्ट थी सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि ज़रा आपको ना पता चलेगा यार शाम से पहले भी पाकिस्तान और इंडिया और जितने भी एरियाज़ हैं शाम से पहले हम कुछ खाते ज़रूर हैं, रात के खाने से पहले ही कुछ ज़रूर खाते हैं। तो ये सब बच्चे आप चाय शाय पीते हैं और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में नई जगह पे आपका भाई सरदार ज़फर के बाद हाज़िर होगा, तब तक अपना अपने प्यारों पर जो बीमार है प्लीज़ उनका बहुत प्यार रखिएगा। फ़ी अमान। क्या नाम है आपका? पराठा बहुत अच्छा था माशाल्लाह, पराठा बहुत आला था, आउट क्लास किस्म का था, मतलब शंटू तरीन लेवल नहीं था लेकिन अच्छा था, मतलब आप जब हल्का सा आपको भूख ज़्यादा लगी हो ना तो अगर आपने भूख को कंट्रोल करना हो या आपने नॉर्मल सा खाना हो तो 300 रुपये थोड़े खैर ज़्यादा हैं, इतना को 300 रुपये वाला वो नहीं था, 300 वाला वो नहीं था, लेकिन था वो अच्छा था, सही है, लेकिन वो क्या करें जगह ऐसी है तो लोग अपने हिसाब से लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है जी गुड़ वाली चाय, कौन सी चाय? गुड़ वाली, और गुड़ वाली चाय वैसे बड़ी लाहौर में ना कम मिलती है अच्छी वाली, वैसे तो हर जगह ही मिल जाती है लेकिन क्वेटा वाले गुड़ वाली भी देते हैं चीनी वाली, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी पीते हैं। आला हो। अच्छा अब आपका भाई आया है जी अगले स्टॉप स्पॉट, ये भाई बैठे हैं माशाल्लाह, ये दे रहे हैं जी कश्मीरी दाल चावल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? क्या क्या है जी हमारे पास दिखाएंगे ज़रा, ख़त्म है? दाल चावल है और बीफ पुलाव है। ए होम मेड है, घर से बनाते हैं आप? अच्छा 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 माशाल्लाह, ये इनका सेटअप है माशाल्लाह छोटा सा, तो मैं दूर से देख रहा था वहाँ से, तो वो खाना खा रहे थे, मैंने कहा इनको नज़र दिखाएंगे, मुझे ना सेटअप इनका बड़ा अच्छा लगा, छोटा सा है माशाल्लाह, तो सही है माशाल्लाह। कौन सी जगह पे आप बैठे हैं? गालिब मार्केट। हाँ गालिब मार्केट माशाल्लाह, ये भाई ना यहाँ ख़त्म करके माशाल्लाह बैठे हैं, चलें जी अल्लाह बरकत दे। और ये इसमें देते हैं मट्टी वाले इसमें? हाँ माशाल्लाह, चलो सही हो गया। अच्छा वो कल्ले बैठे थे, मैंने समझा पता नहीं कोई ले नहीं रहा, इसलिए मैं जाके ना उनको मतलब कोशिश मैंने की कि मैं खरीद लूँ खा लूँ क्या चीज़ है, तो बाद में पता चला जी वो सब कुछ बेच के बैठे थे, इसलिए रिलैक्स होकर बैठे थे भाई।